और इसके अलावा जो है ना वेबर टेस्ट, वेबर टेस्ट कहाँ होगा, लेटलाइज किस तरफ होगा, बेटर ईयर की तरफ, मतलब जो कान ठीक होगा उसमें बोन कंडक्शन जो है ना वो ठीक होगी, जबकि जो इफेक्टेड ईयर होगा उसमें बोन कंडक्शन कम होगी। सो ये आपके यहाँ पे भी MCQs बनते होते हैं, सो ये अपने इसके अंदर कर लेने हैं, ठीक है। रेंटेस्ट इज पॉजिटिव लिखा हुआ आपका, और वेबर टेस्ट स्टेट टेस्ट टू द बेटर ईयर, ठीक है, बेटर ईयर या फिर नॉर्मल ईयर। उसके बाद हम इसे करते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जैसे हमने ऑटोस्टोसिस अंदर की थी, प्योर ऑडोमेट्री से हम इसे इस तरह से यहाँ पे करेंगे। इसमें हमें सेंसिनरी हीलोस मिलेगी, वो कहते हैं कि लोअर फ्रिक्वेंसी पे जो है ना वो हमें अफेक्टेड मिल सकता है, ठीक है। जो कर्व मिलेगी हमारे, सपोज ये कर्व है, ठीक है, तो हमारे लो फ्रिक्वेंसी ये देखेंगे, ये हमारे पास है देखेंगे हेयरिंग लॉस इन डेसिबल, ये हो गया, और ये हमने फ्रीक्वेंसी दे दी है, ये इस तरह फ्रीक्वेंसी है। सो लो से तक जा रही है, तो ग्राफ भी इस तरह से राइज कर रहा है, ठीक है, राइज रहा है। लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ये जो फ्लैट, ये ग्राफ ही फ्लैट हो गया, ठीक है, तो फ्लैट हो गया या फॉलिंग, या फ्लैट भी होता है या फिर फॉल भी कर सकता है इस तरह से। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये हमें फीचर मिल सकता है। एक तो हमने ये कर लिया, सेकंड क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, MCQ तुरंत धड़ाधड़ से आ जाते हैं इसके अंदर, कहीं से भी आ जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर स्पीच ऑडोमेट्री, स्पीच ऑडोमेट्री क्या होती है, अब है ना स्पीच ऑडोमेट्री हो गया, स्पेशल ऑडोमेट्री टेस्ट हो गया, और इलेक्ट्रोकोक्लोग्राफी, ये तीन चीज़ें, ये चैप्टर जो मैंने करवाया था आपको चैप्टर नंबर 4, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर डिटेल से बताती तो आपको समझ वैसे ही नहीं आनी थी। सो अब मैं आपको समझाती हूँ, और चैप्टर नंबर 4 जो है आपने खोल के दोबारा जाके लास्ट में टॉपिक पढ़नी है दोबारा। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या क्या होता है। अब आप आज इस टेबल तरफ, बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें से MCQs बनते होते हैं। पहले तो आपने समझना है कि टेबल में क्या चीज़ दी हुई है। उन्होंने कहा है कोक्लियर लियन है, सेकंड उन्होंने कहा कि रेट्रो कोक्लियर लियन है, ठीक है। कोक्लियर लियन में क्या है, क्या है, मिनरीज डिजीज़, मिनरीज डिजीज़ पढ़ यानी कोक्लियर लियन है ना, कोक्लियर का मसला है। रेट्रो ब्लेमर में ना आपका आगे चैप्टर एक आएगा जिसमें लिखा है एकॉस्टिक न्यूरोमा। सो आप यहाँ पर लिख लें कि एकॉस्टिक न्यूरोमा के अंदर ये फीचर होंगे सारे, क्योंकि एकॉस्टिक न्यूरोमा जो है वो रेट्रो ब्लेमर लियन है, वो एक ही दिया हुआ है। पहले चैप्टर नंबर 8, 10, 11 वगैरह जो पढ़े हैं, 12 तक जो पढ़े हैं हमने, और सोलोसिस तक पढ़े हैं, वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस थे। फिर यहीं पे आ गया कोक्लियर वाला मिनरीज डिजीज, फिर रेट्रो कोक्लियर वाला चैप्टर आएगा इसके बाद, वो है एकॉस्टिक न्यूरोमा वाला, सही है। सो अब हम देखते हैं कि क्या कैसे फीचर होते हैं, और ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें MCQs बनते होते हैं, एकॉस्टिक न्यूरोमा और इसके, ठीक है, मिनरीज डिजीज MD, अकाउस्टिक न्यूरोमा। आपने जो है ना इसको बड़े तहमुल से समझना है, ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम्स करीब हैं तो मेरा लेट हो जाएगा यहाँ से पढ़ते पढ़ते, ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने के लिए बड़ी अटेंटिव होना है आपको। अब है ये, सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल में क्या होता है, कि प्योर्टन ऑडोग्राम जो है ना वो नॉर्मल में नॉर्मल होती है, कोक्लियर और डेटोबन दोनों में सेम होगी, दोनों में है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होती है, एक बात हमने इतफाक़ कर लिया इसका। सेकंड क्या है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर क्या होता है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपका नाम क्या है, तो आप मुझे जवाब दोगे कि मेरा नाम ये, या फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो आपने मुझे जवाब देना है। तो हमने स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर देख लिया कि उसका 100% है नॉर्मल, ठीक है, और कोक्लियर के अंदर भी 90% से थोड़ा सा कम होता है, तकरीबन ठीक होता है, लेकिन रेट्रो ब्लेमर के अंदर बहुत पोअर होता है ये। सो ये वेरी पुअर का मतलब ये है कि तकरीबन 42 जो है ना 50% रह गया इसके अंदर, इतना परसेंटेज जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन की है इसके अंदर। चलिए जी, अब थर्ड चीज़ क्या, रोल ओवर फेनोमिनन। इसमें क्या होता है रोल ओवर फेनोमिनन के अंदर, कि अगर पहले है कि नॉर्मल में एब्सेंट होता है और कोक्लियर के अंदर भी एब्सेंट होता है, लेकिन रेट्रो कोक्लियर के अंदर जो है ना ये प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मैं कोई वर्ड बोलती हूँ, उसकी जो वॉइस है वो ज़्यादा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करती जाऊँ, पेशेंट को मज़ीद समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि सपोज करेंगे मैंने जैसे एक लो टोन में कहा है, फिर मैं उसको हाई टोन में कहती हूँ, तो समझ ज़्यादा आनी चाहिए क्योंकि मैं लाउड कर रही हूँ, लेकिन इसमें जैसे लाउड सुनाई नहीं देता, बल्कि उसमें क्या होती है कि उसमें रोल ओवर फेनोमेनन प्रेजेंट होता है। सो ये अपने याद रखना है, रोल ओवर किसके अंदर है, रेट्रो कोक्लियर के अंदर है। तो हमने जो है रेट्रो, आर से रेट्रो, आर से जो है वो रोल, तो ये हमने याद कर लिया। उसके बाद है जी आपकी रिक्रूटमेंट फेनोमेनन। रिक्रूटमेंट क्या है, वही बात कि मिनरीज डिजीज और प्रेसबैक केसेस में क्या होता है, अगर हम लाउड साउंड करते हैं थोड़ा सा तो वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड देती है, तो ये कोक्लियर के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होता है जबकि इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। अब आपने कैसे याद रखना है, आप याद रखना है आर एस रुपीज, कोक्लियर के रुपीज़ हैं, क्या रुपीज़ हैं, कोक्लियर में आर पॉजिटिव है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, और एस आई स्कोर का मतलब ये है कि शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स। अच्छा जी बच्चों, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो, जिसे हम हैं नॉर्मल, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो टोन होगा
अगर कोई पेशेंट बोलता है डिफरेंट टोन में तो हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, हम सिर्फ उसे 0 to 15% एबिलिटी है कि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। लेकिन लेकिन क्या होता है, कोकलियर वाले जो होते हैं उनके 70% से भी ज़्यादा होता है, थोड़ी सी भी अगर टोन चेंज होती है तो वो बता सकते हैं कि जो है ना इसका जो है ना वो टोन चेंज हो, डेसिबल जो है ना वो चेंज हो गया, ठीक है। तो आपने जो है इसको इस एबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है किसके अंदर, कोकलियर के अंदर, जबकि रेट्रो के अंदर जो है वो 0 to 20% ही रहती है। अगर हमने अभी थ्रेश होल्ड टोन डिके टेस्ट में हमने क्या किया था कि 0 to 15 decibel के दरमियान दरमियान जो है हमारी एक टोन की एबिलिटी को उसको मतलब बर्दाश्त करने की पावर जो ख़त्म हो जाती है 90 मेनली जो है ना, हमने ये कहता है कि 1 second 60 second के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोकलियर ईयर के अंदर लेस दैन 25 होती है, इतना डायग्नोस्टिक नहीं है। लेकिन रेट्रो कोकलियर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर 25 decibel से ज़्यादा होगा तब उसका थ्रेश होल्ड टोन डिके जो है ना टेस्ट थ्रेश होल्ड जो है वो पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये अपने याद रखना है। और उसके बाद स्टैपीडियल रिफ्लेक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इसमें कोकलियर के अंदर जो स्टैपीडियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है जबकि रेट्रोबल्बर में एबसेंट होता है। अब स्टैपीडियल रिफ्लेक्स क्या होता है कि वो हमें बताता है किस तरह से रिफ्लेक्स लेके जाता है, और उसके बाद जो है अकोस्टिक हमने रिफ्लेक्स किया था, सही है, तो 8th nerve से जाएगा और फिर वापस आएगा 7th nerve से। लेकिन अगर रेट्रोकोकुलर मसला है, क्या रेट्रोकुलर मसला ही ये है कि नर्व का मसला है, 8th nerve का मसला। जब 8th nerve ही नहीं होगी तो उसने जाना ही नहीं, जाना ही नहीं है तो उसने आना भी नहीं है। सो ये इसके अंदर जो है वो एबसेंट होती है। सो यहाँ तक आपने कर लिया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप कि आपको समझ आ गया, क्योंकि मैंने कोशिश बहुत किया कि फास्ट फास्ट समझा सकूँ। बस ये बात याद रखनी है कि रिक्रूटमेंट फेनोमिनन और SI जो है वो कोकलियर के अंदर थे, और जो रोल और फेनोमिनन है वो रेट्रो कोकलियर के अंदर लियन के अंदर थे। सो ये दो बातें। और स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट जो है वो भी पुअर है, बहुत पुअर है किसी अंदर रेट्रो कोकलियर लियन के अंदर, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम टेस्ट करवाते होते हैं और ये स्पेशल टेस्ट होते हैं। सो इसके अंदर अगर हम देखें स्पीच ऑडियोमेट्री, हम देखें यहाँ पे हमने कहा है तो इसमें क्या होता है कि हमने क्या पे मिनरीज डिसेस पढ़े हैं और ये कौन सा पढ़े हैं, कोकलियर पढ़े हैं, तो इसमें 85 तक होता है, मतलब ठीक होता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर स्पेशल टेस्ट लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट फॉर जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है मिनरीज के अंदर, ऐसे ही जो है ना वो 70% होती है, मतलब बेटर होता है काफ़ी ज़्यादा। टोन डिके जो होता है ना वो लेस दैन 20 डेसिबल से लेस पेरेंट टोन डिके होता है इसका ना। सो ये तीन बातें इसमें कर ली है। आगे इलेक्ट्रोकोकुलोग्राफी हमने वहाँ पर जब पढ़ी थी 4th chapter में, तो हमने डिटेल से नहीं पढ़ी थी। यहाँ पर अपनी ये बात याद रखनी है कि जब है ना हम एक्शन प्रोटेक्शन लेते होते हैं ना इलेक्ट्रोकोकुलोग्राफी का, उसमें ना इस तरह का ग्राफ बनता था। इस ग्राफ में क्या होता है, इस ग्राफ में देखें कि यहाँ पे है समेशन पोटेंशियल है ये वाला, और फिर ये एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, ये समेशन पोटेंशियल है, ये एक्शन पोटेंशियल है। अब समेशन जो है एक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है, तकरीबन 1/3 part पे आ रहा है, मतलब अगर ये हम लेंथ लें इसकी तो समेशन पोटेंशियल कहाँ तक आ रहा है, 1/3 तक आ रहा है। 1/3 का मतलब ये 30% है, तो नॉर्मल इसका ये होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मिनरीज डिजीज़ के अंदर जो समेशन पोटेंशियल होता है ये इंक्रीज़ कर जाता है, 30% से ज़्यादा हो जाता है। बस ये बात आपने इसके अंदर याद रखनी है। उसके बाद हम करते होते हैं कैलोरी टेस्ट करते थे हम, क्या चेक करने के लिए, निस्टैग्मस चेक करने के लिए। उसके बाद है ग्लिसरॉल टेस्ट, ग्लिसरॉल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या करना है कि ग्लिसरॉल आपने देना है। जब ग्लिसरॉल देंगे जैसी बात है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो उसने फौरन से एंडोलिफ का प्रेशर जो है वो कम कर देना है। कितना देना है, 1.5 ml/kg के हिसाब से देंगे। सो अगर हम ऑडियोग्राम से चेक करें, रिकॉर्ड करें ग्लिसरॉल लेने के बाद, अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती है ना 10 decibel की, ठीक है, तो हमने कह दिया जो हमारा डायग्नोस्टिक बन गया। या अगर हम डिस्क्रिमिनेशन स्कोर कर रहे हैं, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि उसको बहुत पुअर हो गया 90% से कम हो गया है, तो अगर उसका बर्थ इंप्रूव कर जाए, 10% इंप्रूव कर जाए, तो हम ये कहते हैं कि जो है ये डायग्नोस्टिक है। और इसके अलावा टिनिटस और फुलनेस ऑफ ईयर में भी इंप्रूवमेंट साथ साथ हो जाती है, तो ये डायग्नोस्टिक जो है इसका हो जाता है। हम ग्लिसरॉल के साथ साथ जो है इलेक्ट्रोकोकुलोग्राफी करवा के इसको करवा लेते होते हैं। सो यहाँ तक इसकी इन्वेस्टिगेशन थी, ये सारी सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी।